close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And गाइज नमस्कार, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं केदार महर। तो गाइज अभी हम लोग अपने दीदी के घर जा रहे हैं बिटोली देने के लिए। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा ब्लॉग, क्योंकि मेरे साथ अभी मेरी वाइफ और मेरा बेटा भी है, ये देख सकते हैं आप, तो मैं बना के आप सभी के लिए जो है लेकर आ रहा हूँ। जो मेरी चौथे नंबर की जो दीदी है वो सीरी गाँव में रहती है, जहाँ पर अभी हम लोग हैं, ये देख सकते हैं आप। तो अभी हम गाँव में पहुँच चुके हैं। ये है मेरी वाइफ और ये है हर्षु। तो सुबह ये लोग गए थे अकेले अपनी छोटी वाली बुआ के वहाँ। गया था ना तू? क्या किया तूने वहाँ? हाँ, सदा नहीं करी। क्या खाया? उधर चलो उधर। तो अभी हम लोग हैं सेरी गांव में, जहाँ पे मेरी चौथे नंबर की दीदी रहती है। तो यहाँ से थोड़ा सा आगे पे उसका घर है, तो हम लोग जाएंगे वहाँ पे। पहला ठीक ठाक है? तो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर बाद। चल अरसु, दीदी के घर जाके वहाँ की वीडियो दिखाऊंगा, तो आप वीडियो में बने रहे। कहाँ है तू? क्या कहाँ है? यहाँ के गांव का नाम बता। इधर देख के बात करना मेरे यार, कैमरे में देखने में शर्म आती है क्या तेरे को? क्यों? ये कौन है? कौन सा दादा? अच्छा अच्छा, बुआ को बिटोली देने आया हूँ, नहीं बोल सकता है। बिटोली देने आया हूँ, भूल जाता है बार बार। सो गाइज, आप देख सकते हैं इस समय हम लोग हैं अपनी दीदी के घर में, और हर्षु पहली बार यहाँ पे आया है, फर्स्ट बार आया ना। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ गाइज कि यहाँ पे सेरी गांव में मैंने आज से करीब 10 साल पहले यहाँ पे जॉब करी थी। जब मैं कॉलेज पूरा होने के बाद अपने एक प्राइवेट प्रोजेक्ट में काम करता था, आजीविका परियोजना जिसका नाम था। तो यहाँ पे काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं, सेरी, जाखनी, मझगांव, ये जो पूरा क्षेत्र आता है कमेडी का। तो यहाँ पे हम लोग फील्ड वर्क करते थे, यानी कि जो स्वयं सहायता समूह यहाँ पे SHGs होती हैं, तो उनकी हम लोग बैठकें लेते थे, और यहाँ पे उनके साथ जो काम करने होते हैं तो वो सारे काम हम लोग यहाँ पे करवाते थे। तो आज यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, और ये देख सकते हैं एक डॉगी भी आ रहा है यहाँ से काटने के लिए। अच्छा आई जरा आ। और आप सभी को बता दूँ, हर्षु आज अपने दोनों बुआ लोगों के घर जा चुका है। सुबह गया था हर्षित अपनी छोटी वाली बुआ यानी कि एराड़ी, जिसका नाम हीरा है। क्या नाम है छोटी वाली बुआ का? हेमा देवी। बोल, हेमा देवी। तो वहाँ गया था, और वहाँ पे मेरी दीदी जो है रहती है एराड़ी में, उसके दो बच्चे हैं, दोनों लड़के हैं, और जीजा जी जो है पाँचवीं वाली। पाँच बहनें हैं मेरी गाइस, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। फर्स्ट वाली मेरी दीदी भनार रहती है, जो भांजा मेरे साथ रहता है, उसकी मम्मी। दूसरी वाली दीदी, अभी चुप रहा, बहुत बोलता है। तो दूसरी वाली दीदी मेरी नाकुरी में रहती है, सनेति में, बाफला गांव उसको बोलते हैं। और तीसरे नंबर की दीदी मेरी चंडीगढ़ रहती है, जिसका ससुराल तिमला बगड़ है, जो कि बागेश्वर जिले के भनार गाँव का एक तोक है। और चौथे नंबर की दीदी यहाँ पर रहती है, और ये देख सकते हैं ये है मेरी चौथे नंबर की दीदी, जिसका नाम है सीता देवी। और इसके दो बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। लड़की का नाम मानसी है, लड़के का नाम दिव्यांशु है।
और दिव्यांशु इधर आ फटाफट, इधर आ। और ये देखे अभी यहाँ पे मेरी वाइफ जो है कच्चे टमाटर खा रही है, इसको पता नहीं क्या शौक लगा है कच्चे टमाटर खाने का। इधर आ, ये है दिव्यांशु जो कि मेरी दीदी का लड़का है, यानी कि मेरा भांजा। तो कितने में जाता है तो स्कूल? थर्ड में ना। लॉकडाउन के बाद स्कूल गया नहीं तू? नहीं। क्यों नहीं गया फिर? स्कूल नहीं खुला। तो गाइस मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, अभी जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था उस समय ये बेरीनाग में पढ़ते थे, मेरी दीदी भी वहीं पे रहती थी, जीजा जी मेरे बाहर जॉब करते हैं कहीं प्राइवेट, और यहाँ पे कोई नहीं रहते थे, ये आप जो देख रहे हैं मकान। और उसके बाद जैसे ही कोविड हुआ और लॉकडाउन लगा और स्कूल बंद हुए तो ये फिर वापस घर आए। अभी इन्होंने घर में जो है अपना खेती बाड़ी भी कर रखी है, यहाँ पे खेतों में आप देख सकते हैं यहाँ भी बोया हुआ है, और अब ये यहीं पे रहेंगे। और आने वाले समय में जब स्कूल खुल जाएंगे तो तब देखना पड़ेगा कि ये कहाँ स्कूल जाते हैं। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ से आगे की और वीडियो दिखाता हूँ, तो वीडियो में बने रहें। बने पहले फोन तो दे देना, फिर बने रहेंगे। क्या के लिए चाहिए फोन? गेम खेलने के लिए और काहे के लिए? फोड़ने के लिए। अच्छा, तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप यहाँ पे आजकल हमारे पहाड़ों में। अच्छा, कब? अब भयो संक्रांति दिन। अरे तो तारीख पर आयो मणि एक दो बहाले चुदी जना मी बेगी बड़ाई न होरा मी ने और जो तो ओड़ा पड़ा रोला मैं सन हो दियो। हां हां आ आ 10 दिन लगी जालिया ना लग जालो। तो पर आयो तो रात रो होरा मी ने होयो। अरे ये ले तमरा है आयो? हां ये वाले तमरा है। हूं तब जाग बदर है की तो। अच्छा अच्छा, तो बैठा था बड़ा राजा बह गए जो थी। अरे अब यो की वो बड़ा लो मणि मल्टी बॉल आप छोड़ ये शाल डाल। अच्छा अच्छा, अरे अच्छा अच्छा। दोस्तों अभी मैं अपने दीदी के सासू के घर में हूँ। सासू का मतलब कि जो दीदी के ससुर जी हैं, तो उनकी मतलब कि दीदी के ससुर जी के बड़े भाई की पत्नी यानी कि दीदी की सासू, ये देख सकते हैं आप, हमारी भी सासू लगती है। और यहाँ पे ये कर रहे हैं काम, देखो यहाँ पर अभी गेहूँ की है ना, गेहूँ है ना जो है ना, गेहूँ जो गेहूँ की खेती जो इन्होंने करी थी, तो इसको यहाँ पे देख सकते हैं आप, काट के लाए हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पे आजकल जो है सुअरों का आतंक होता है, तो सुअरों ने पूरा ख़त्म कर रखा था खेती पूरा खेतों में जाके, तो जैसे तैसे उसको काट कूट के थोड़ा बहुत जो भी है ये यहाँ पे लाए हैं। और ये बोल रहे हैं कि इनके जो लड़के रहते हैं हीरा सिंह धामी जी जो लखनऊ में रहते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने बुलाया है, वहाँ पे मकान बड़ा रखा उन्होंने वहाँ। ये मोहन पहली बड़ा राही वो दूर के भेज दियो। अच्छा, और बुआरी बुआ हु उराड़ी। अच्छा, वो नंदी नंद लियो मॉल वो दोहर ठहर बैंगली रखो हगर जाग आएगा ना न कमर। अच्छा, अब हगरा जी दिन कर बैंक न छोड़ा पूर गया। अरे तो इनको जाना है लखनऊ, वहाँ पे इनके लड़के रहते हैं, बहू और इनके नाती पोते सब वहीं पे रहते हैं, तो वहाँ पे मकान बना रखा है, तो वहाँ पे जो घर प्रवेश होता है मकान का, तो वहाँ पे इनको बुला रखा है, तो ये फटाफट तब तक अपना खेती जो है पूरा क्लोज कर रहे हैं और उसके बाद जाएंगे। आए तो देखो अर्षित अभी अम्मा के साथ आ चुका है, और देखो अम्मा कितना प्यार कर रही है अर्षित को। बीच में हमारे घर में कुछ जागर वगैरह लगी थी, तो ये सारे लोग आए थे, हमारे घर अम्मा भी आई थी। तो क्या करिए अम्मा, क्या करिए? जवान है, मतलब क्यों? बड़ा हो गया, जवान हो गया बल तू। बड़ा हो गया, बड़ा हो गया बल। हाँ अब शादी कर देते हैं तेरी। हाँ ये ब्योल हो जाए जो एकदम बरियात कर दे। बड़ा हो गया तेरे को तो लगातार गेम गेम ही होती है, जहाँ भी जाता है गेम गेम गेम। उसमें क्यों जा रहा है? गेहूं मत कर बाबू, उसमें मत जा। जब मम्मा को बुला, इधर अम्मा है, बोला अम्मा से मिलो, बोलो दूर।
जा मम्मा को बुला। तो दोस्तों अभी मैं पी रहा हूँ चाय और ये देख सकते हैं सासू माँ भी यहाँ पे चाय पी रही हैं। और इनसे मिलके, बुजुर्गों से मिलके कभी भी बहुत अच्छा लगता है। मैं जब कहीं भी जाता हूँ तो बुज़ुर्गों का आशीर्वाद ज़रूर लेता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ। और यहाँ पे एक देख सकते हैं आप पीछे से एक बहुत ही बड़ा मकान है, पूरा पाथर वाला। तो गांव घरों में इसी टाइप के मकान होते हैं, आप सभी जानते हैं। तो कुछ इस टाइप का है यहाँ पे सीन अभी। और यहाँ पे देख सकते हैं पीछे लकड़ियाँ काफ़ी रखी हुई हैं, नीचे पिरूल है, उसके नीचे लकड़ियाँ हैं, ऊपर में पिरूल रखा गया है जो गाय भैंसों के लिए बिछाने का काम भी करता है। और ऊपर से जैसे लकड़ियाँ जो है, लकड़ियों के ऊपर में पिरूल रखा है तो लकड़ियाँ जो हैं बारिश में भीगती नहीं हैं, गीले नहीं होते हैं। तो ये है। तो हर्षो कैसा लग रहा है तेरे को यहाँ? इधर आके बोल। अच्छा। इधर आके बोल। अच्छा। कौन सी बुआ के घर आया है? सीता बुआ के घर। बोल पहले, किस बुआ के घर आया है? दोस्तों अभी मैं मकान के छत में आया हूँ और यहाँ से मैं आपको सेरी गांव का बहुत ही शानदार जो दृश्य यहाँ से दिखाई दे रहा है वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं नीचे एक मकान है जिसके छत में देखिए पूरा पाथर ही पाथर है, पूरा पाथर वाला जो मकान, पत्थरों से पूरा छत बनाया जाता था। अभी देखो पत्थर में कहीं पे छेद हुए होंगे, पानी अंदर जा रहा होगा, तो उसके बचाव करने के लिए पन्नी भी यहाँ पे डाली गई है, ब्लैक पॉलिथीन। ये देख सकते हैं आप, ये मेरी दीदी के मकान का छत है जहाँ पे कुछ गेहूँ जौ जो भी खेती हुई है वो जो है यहाँ पे रखी गई है। और ये देख सकते हैं आप ऊपर है सेरी का पूरा गांव। क्या कर रहा है? और ये आप देख सकते हैं पूरा सीन। तो बीच में यहाँ पे गाइज एक सड़क का निर्माण हो रहा है इसी गांव के ऊपर से, कमेड़ी से चौनाला के लिए एक सड़क कट रही है। तो उसका विरोध किया था यहाँ के गांव वालों ने, क्योंकि इन्होंने बोला था कि हमारा जो जंगल है वो वहीं है, पानी के स्रोत वहीं हैं, रोड करने की वजह से जंगल जो है सूखेंगे, पेड़ सूखेंगे, स्रोत सूखेंगे, पानी की व्यवस्था नहीं होगी और आपदा जोन आता है, नीचे आपदाग्रस्त क्षेत्र है तो रोड कटने से आपदा भी आ सकते हैं। तो उसके लिए जो है यहाँ पे रोक भी लगाई गई थी, लेकिन फिलहाल वहाँ पे काम अभी जारी है। अभी नीचे मेरी वाइफ जो है सासू माँ के साथ बातचीत कर रही है और वहाँ पर एक मेरा भांजा है दिव्यांशु। तो जैसे ही मेरी वाइफ वहाँ पर सासू से मिलने के लिए आई तो दिव्यांशु बोल रहा है, बल्कि ये मेरी मामा की शैणी है, मतलब कि मामा की पत्नी, यानी कि जिसको हम पहाड़ी में शैण बोलते हैं। तो पहाड़ी में बोल रहा है कि यू मेयर मामा शैण हो, तो यानी कि वो मामी है नहीं कह रहा है, ये मेरी मामी है नहीं कह रहा है, ये मेरी मामी की शैणी है कह रहा है। तो देख सकते हैं हम बच्चे कैसे बात करते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे कितने सारे बच्चे आ रहे हैं छोटे छोटे। अभी ये दो बच्चे पता नहीं कौन है, ये मेरी भांजी है मानसी जो लॉकडाउन से पहले क्लास 9th में पढ़ती थी, लेकिन अभी 10th में चली जाती है, लेकिन एक साल पूरा इसने गैप कर लिया, स्कूल नहीं गई। और ये मेरी वाइफ है और ये जो चल रही है मेरी दीदी है। तो अभी यहाँ पे गपशप चल रही है इन लोगों की और एक बच्चा और आ गया है। कभी भी गांव घरों में जब किसी के घर में कोई मेहमान आते हैं तो आसपास के सारे बच्चे आ जाते हैं। देखो देखो दोस्तों यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आए हैं। नाम बता बेटा, क्या नाम है तेरा? क्यों सर मारी है, नाम बता दो। तू बता फिर और दूंगा। दिया। दिया। पापा का नाम क्या है? इंदर। इंदर क्या? नहीं इंदर, इंदर सिंह धामी। कितने में पढ़ते है स्कूल? फ्री में। ये देखो हर्षित, इनके साथ दोस्ती कर। नाम पूछ, इनका नाम पूछ, भी मोबाइल मिलेगा। धर्म घर में ही है मेरे दोस्त। यहाँ भी तो बना सकता है अपने दोस्त।
तो फिर उनसे मिलने आऊंगा तो आप वापस पहुंचाओगे क्यों? फिर यहीं रहेगा ना? मेरे साथ रहेगा वहाँ। मेरा छोटा अर्श भी है, हिम्मू भी है, क्या करूँ मैं? मम्मा के फोन के बिना क्या करूँ? ये जंगल में आग क्यों लगाते होंगे लोग? तुम्हारे वहाँ भी आग लगी है ना? लगी है तो कैसा लग रहा है तेरे को? अच्छा लग रहा है या गंदा? गंदा। गंदा लग रहा है ना? तो किसने लगाई ये आग? इंसान। इंसान ने लगाई? नाम क्या है? किसी ने देखा तो आग लगाते हुए किसी को? नहीं नहीं देखा। अगर कोई आग लगा रहा होगा तू देखेगी तो क्या करेगी बता? कोई आग लगा रहा होगा जंगल में, अगर तूने अपनी आंखों से उसको आग लगाते हुए देखा तो क्या करेगी? क्या करेगी बता? हाँ, जो ये जंगल में आग लगा रखी है आजकल ना, तो कैसा लग रहा है तेरे को जंगल में आग लग के? बहुत गंदा। गंदा लग रहा है? क्यों बोलो? क्यों? क्योंकि ना घमंडी जैसे लोग वो बचा रहे हैं, हिरनों के बच्चे को मारते हैं जंगल में आग लगा कर। किसके बच्चे को? हिरन के। और शेर के, भालू के, सब बच्चे मर जाते हैं ना? पर उनके तो माता पिता, मम्मी उनको छोड़कर चले जाती है, वो बड़े हो जाते हैं और फिर अपनी मम्मी का जाना का गुस्सा अभी तक खत्म नहीं होता उनका। अच्छा, तो जो लोग आग लगाते हैं जंगलों में ना, उनको क्या कहना चाहेगा? घमंडी। घमंडी? अच्छा। बेचारों को मार रहे हैं यार। किसको किसको मार रहे हैं? अच्छा, जब तू बड़ा बड़ा हो जाएगा ना, बात सुन इधर, जब तू बड़ा बड़ा हो जाएगा तो कोई जंगल में आग लगा रहा होगा उसको देखेगा तो क्या करेगा? मर्डर। मर्डर करेगा? नहीं बाबू, मर्डर नहीं करते हैं, ठीक है? क्यों क्यों नहीं करते मर्डर? मर्डर नहीं, मर्डर करना अच्छी बात नहीं है, किसी को मारते नहीं है ना? जो गुंडे होते हैं उनको? नहीं, वो गुंडे थोड़े हैं, वो तो जंगलों को आग लगाते हैं, तो उनको समझाना चाहिए कि आग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आग लगाओगे तो जंगलों में देखो धुआं ही धुआं हो रहा है ना, पानी पानी भी सूख, धुआं से भी धुआं आ रहा है। हाँ देखो, पूरा जंगल ही जंगल, पूरा धुआं ही धुआं हो रहा है। जंगल आग लगने से क्या होता है? पानी भी नहीं मिलता है, पानी सूख जाता है, शुद्ध हवा नहीं मिलती है, हरे बड़े पेड़ काले हो जाते हैं, सूख जाते हैं पूरे ना। तो चल फिर सबको बोल अभी से आग मत लगाना, बोल अभी से आग मत लगाना, वरना वरना हाथी तोड़ दूंगा। हाथी तोड़ दूंगा? अच्छा, तो दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये बना रही है यहाँ पे बनियान, इसका काम घर भी बाहर भी जब भी खाली रहती है बनियान बुनने का ही रहता है दिन भर, और अभी यहाँ पे बनियान बुन रही है तो काफी डिमांड है यहाँ से आ गई है। सासू माँ भी बोल रही है कि एक बनियान मेरे लिए भी चाहिए अपनी लड़की के लिए, और बहुत सारे लोगों की डिमांड आती रहती है बनियान बनाने के लिए। तो ये देख सकते हैं आप, अभी बातें कर रहे हैं दोनों लोग, और बनियान या ना बड़ो ना कोई तुम्हारे घर में जो बड़ो आप बड़ो ना। अच्छा, ब्याज ना दिन है? तो गाइस देख सकते हैं बनियान की डिमांड अगर आपकी भी है तो आप दे सकते हैं डिमांड, जैसा भी आपको चाहिए होगा बनियान हर टाइप का बन जाएगा, सारा डिजाइन लेडीज जेंट्स सब जो ये बनाती रहती है, बेचते रहती है, और दिन भर इसी में बिजी रहती है। जैसे खाना आना खाने के बाद जब दिन में थोड़ा सा टाइम मिलता है तो फिर बनियान बुनने में लग जाती है, फिर थोड़ा सा शाम के टाइम में, रात के टाइम में, तो हमेशा बुनती रहती है।
अरसु क्या खा रहा है? डाल दूँ। ना 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 खाने में। ए? तेरे उसमें डाल दूँ रे। सॉस है जो चाउमीन में डालती है। क्या खा रहा है? और डाल दूँ। क्या खा रहा है बता? ये क्या हुआ मैं डाल दूँ? किसने दिया? है? मानसी बोल। तो गाइस ये देख सकते हैं अभी हर्षित खा रहा है मैगी और मैं भी यहाँ पे हम लोग घर से खाना खा के आए थे। एक्चुअली सुबह मैं था अपने गांव में और वहाँ से मैं खाना खा के आया था और मेरी वाइफ और हर्षु जो अपनी छोटी वाली बुआ के घर गए थे एराड़ी, तो ये लोग वहाँ से खाना खा के आए थे। उसके बाद हम यहाँ पे आए तो थोड़ा सा चाय हमने पी ली, अभी मैगी वैगी खा के फिर हम यहाँ से चले जाएंगे वापस। तो देख सकते हैं आप हर्षित को कैसा हो रहा है बाबू, टेस्ट कैसा हो रहा है? बढ़िया हो रहा है। कैसा हो रहा है जी? मैगी को लाइक भी दो। हैं? मैगी को लाइक भी दो। किसको दो लाइक? इसको। बहुत स्मार्ट डिश हो रहा ना। स्मार्ट डिश किसने बनाया? मानसा दीदी। मानसा दीदी बोल। मानसा दीदी। अच्छा। सो गाइज बहुत समय से हम लोग यहीं पर बैठे हुए हैं, अभी करीब शाम के 5 बज चुके हैं और अब हमको यहाँ से निकलना है अपने घर के लिए। तो मेरी वाइफ और हर्षु जो है अंदर दीदी के साथ बैठे हुए हैं, वहाँ पे कुछ बातचीत कर रहे हैं और अभी मुझे निकलना है यहाँ से टाइमली, क्योंकि यहाँ से जाएंगे हम कमेडी फिर जाएंगे कोटमनियार। कोटमनियार जाकर मुझे थोड़ा सा दाढ़ी और बाल भी बनाने हैं। आप देख सकते हैं कैसा लुक हो रखा है, कई दिनों से बाल और दाढ़ी बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो फिलहाल निकलने की यहाँ से तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आगे का भी आपको लोकेशन दिखाऊंगा जाते वक्त, पूरे गांव का जो है मैं वीडियो बनाऊंगा, तो प्लीज वीडियो में बने रहे। बता जा रहा बाबू। नमस्ते नमस्ते। तू नहीं आ रहा ऊपर? ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है। पावर बैंक आगे क्या? वीडियो बनवानी तुम्हारे यो तब है घर वाले है उचल है आगे लगा का थला गावे घर जाने आप ना रुने बैंक अज्ञा के हो बारी बाजी गाला है मुनी है धर्म करू है क्या है धर्म कर जब लोग जा है इतना आला। हां और ठीक ठाक है रवल सब? अच्छा। बाद में फिर कहाँ इधर कहाँ है रास्ता, वो यहाँ से आए थे। सो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने दीदी के घर से वापस अपने घर जाने के लिए रोड की तरफ, और बच्चे मेरे जा चुके हैं आगे को। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं इसलिए भी क्योंकि मैं यहाँ पे पहले रह चुका हूँ, जॉब कर चुका हूँ। अरे देख सकते हैं आप यहाँ से पीछे कुछ इस टाइप का है नज़ारा। तो फिलहाल हेलो सर नमस्कार, और ठीक ठाक बिटोला नहीं यार? हाँ और सब बढ़िया? ना ना ठीक है राल पिरा हो इंडवाल नंदिन लहन ना और सब वीडियो वीडियो बनाने में शरीक हैं। तो यहाँ के प्रधान जी भी हमको यहाँ पे मिले, तो फिलहाल मैं पहुँच चुका हूँ रोड में। ये रही सड़क, यहाँ पर है हमारी गाड़ी और बच्चे भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, शायद आगे दुकान में गए होंगे। गाइज अभी मैं कमेडी से थोड़ा सा आगे हूँ, कोटमनिया और कमेडी के बीच में। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे यार कैसी स्थिति है, नीचे से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। नीचे से पूरा जंगल जल रहा है और यहाँ पे मैं अकेले इस आग को नहीं बुझा सकता हूँ। और मैं अभी थोड़ी ही देर बाद पहले यहाँ के नज़दीकी जो वन विभाग वाले हैं तो उनको मैं कॉल करता हूं, क्योंकि यहां पे लगी है बहुत ज़्यादा आग और ये आग चारों तरफ फैली हुई है और इतनी ज़्यादा आग लगी है कि नीचे से बहुत तेज़ी से आग ऊपर को बढ़ रही है। अगर मैं यहां पे बुझाने की कोशिश करूं तो अकेले मेरी बस की नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं थोड़ा बहुत आग बुझाने की। और उसके बाद हालांकि ये आग अब यहां से सड़क से ऊपर नहीं जा पाएगी, क्योंकि सड़क तक ही ये आग आ पाएगी, क्योंकि नीचे से तो पूरा जंगल जल चुका है और जितना यहां पे जंगल बचा हुआ है यहां पे आग बुझाने जैसा है नहीं। नीचे पूरी खाई है और ये सड़क में पूरी आग आ चुकी है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने लगाई है यहाँ पे गाड़ी अपनी, तो इस आग को बुझाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ अपने वन विभाग की टीम को यहाँ से इन्फॉर्मेशन करने की। और यार आप सभी को मैं एक अपील करना चाहता हूँ, एक मार्मिक अपील मेरी तरफ से है, प्लीज़ यार जंगलों को आग ना लगाएं, जंगलों को बचाएं, जंगल हैं तो तभी हमारा जीवन है।
आप सभी देख सकते हैं कैसी स्थिति है, यहाँ कैसा दिख रहा है पूरा हरा भरा, और पीछे कैसा दिख रहा है ये आप देख सकते हैं। जो ये धुआं यहाँ से उठ रहा है, ये धुआं आसमान में जा रहा है और चारों तरफ आजकल जो है धुंध लगी हुई है इसी धुएं के कारण। तो इसी धुएं की वजह से जो है चारों तरफ आजकल जो धुंध है उससे कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, और आगे को और ज़्यादा परेशानी हो सकती है। पानी के स्रोत सूख सकते हैं, पेड़ जो है अगर सूख जाएंगे तो ज़मीन हल्की हो जाती है, बरसात में आपदा आने का खतरा रहता है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को समझिए, अपने आसपास कहीं पे भी आग लगती है तो वन विभाग को सूचित कीजिए, वन विभाग को सहयोग कीजिए। तो फिलहाल मैं करता हूँ वन विभाग की टीम को कॉल, और उसके बाद देखता हूँ फिर यहाँ पे कब टीम आती है और कब इस आग को वो बुझा पाते हैं। सो गाइस, फाइनली मैं अपने घर में पहुँच चुका हूँ और इस समय मैं हूँ अपनी शॉप में। ये देख सकते हैं आप, हर्षु और अंशु खेल रहे हैं यहाँ पे शतरंज, और मुझे तो ये खेलना नहीं आता है, लेकिन ये दोनों जो हैं इसमें फॉरवर्ड हैं, इनको पूरा खेलना आता है। पता नहीं इनको किसने सिखाया, मैं नहीं जानता। और ये देख सकते हैं आप, मैंने अभी कोटमनिया में आज बहुत दिनों के बाद अपने बाल बनाए और शेविंग भी करी, तो अभी ये मेरा एक बार फिर से नया लुक है। और ये देखें, ये यहाँ पे दिन भर टीवी में लगा होगा क्योंकि आज ये अकेले था घर में। अकेले आप भी खोल रखी है मैंने आधे घंटे पहले। और क्या क्या दिन भर में काम के थे रे? हैं, दिन भर में क्या किया? तो देख सकते हैं आप, हर्षित और अंशुल खेल रहे हैं यहाँ पे शतरंज, और मैं इस वीडियो को करता हूँ यहीं पे ख़त्म क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे महर एंड फैमिली ब्लॉग्स YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरी हर वीडियो समय पर देख सकें। तो अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।